नमीबिया से भारत लेकर आना बहुत आसान निर्णय भी नहीं था और ये पूरा सफर भी बहुत आसान नहीं था। हालांकि आने वाले 5 सालों में अब और भी देशों से यहां पर चीतों को लाया जाएगा, लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अब चीतों को आप देख पाएंगे यहां पर कोनो नेशनल पार्क में, तो ऐसा नहीं है। लगभग 1 महीने के लिए इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, एक निर्धारित इलाके में रखा जाएगा और उसके बाद 30 दिनों के बाद ये देखकर कि इनका इनका व्यवहार कैसा रहा है, ये किस तरह से ढल रहे हैं इस माहौल में, उसके बाद इन्हें आगे एक दूसरे क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो अभी चलेगी। इसी विशेष विमान से नामीबिया टू इंडिया का सफर पूरा होगा। आठ चीते नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से बोइंग 747 विमान में सवार होकर टेक ऑफ किए और ग्वालियर हवाई अड्डे पर विमान उतरा। ये हवाई सफर करीब 8,500 किलोमीटर लंबा है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आठों चीतों को कूनो नेशनल पार्क ले जाया जा रहा है, जहां पर हेलीपैड बनाए गए। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों चीतों को पार्क में छोड़ देंगे। चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की स्टडी की सबसे बड़ी घटना है कि दूसरे महाद्वीप से लाके चीते को यहां हम बसाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि स्वाभाविक रूप से चीते का परिवार बढ़ता रहे। चीता आना एक विलुप्त होती हुई प्रजाति को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम तो है ही, लेकिन ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीतों को लाने से पहले कूनो नेशनल पार्क को चीतों के हिसाब से तैयार किया गया। इसमें दो सबसे बड़ी बातें थी। पहला, चीतों की खुराक, यानी नेशनल पार्क में चीतों को अपनी पसंद का शिकार मिल सके, और दूसरा, चीतों के रहने के लायक माहौल बना सके। इन दोनों मामलों में कूनो नेशनल पार्क एकदम फिट है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जहां चीतों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चीतों को लाने से पहले ही यहां पर सांभर, चीतल और दूसरे जानवर लाकर बसाए जा चुके हैं। और तो और, यहां पर खास तरह की घास लगाई गई है और छोटे छोटे पहाड़। दरअसल जिस तरीके का मौसम नामीबिया में रहता है, कमोबेश वैसा ही वेदर सिस्टम श्योपुर में रहता है। श्योपुर यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसा हुआ जिला है, और यहाँ पर गर्मी भी रहती है, बारिश के दिनों में भी काफी लंबे समय तक मॉनसून की खींच रहती है, बारिश कम होती है यहाँ पे। और जिस तरीके का मैदान चाहिए चीतों को भागने के लिए, बिल्कुल वैसा ही मैदान कूनो पालपुर में, यानी लंबी दूरी तक चीतों को क्योंकि भागना होता है, तो यहाँ पर उनके लिए एक मुफीद जगह है, जहां पर वो अपने शिकार के पीछे लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। चीते जो कि दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जीव होते हैं, उनकी अधिकतम रफ्तार 113 किलोमीटर तक चली जाती है। तो ऐसे में ये वो जगह है जहां पर पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर पेड़ पौधे तो हैं, घने जंगल भी हैं, लेकिन अंदर की तरफ जहां पे बफर जोन रहेगा चीतों के लिए खासतौर से, वहां पर उनके भागने के लिए घास के बड़े बड़े मैदान हैं, जैसे उन्हें नामीबिया में मिलते हैं, और इसीलिए इस जगह को चीतों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद माना गया। कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्र बनाए गए हैं, जो उनकी सुरक्षा भी करेंगे। डिटेल के मुताबिक कुल 90 गांव के 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है, और इनमें से सबसे बड़ा नाम है रमेश सिकरवार का, जो पहले डकैत थे लेकिन अब चीतों के रक्षक है। भले ही बंदूक आपके साथ है, गोलियां आप साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आप बंदूक से नहीं, अपनी जुबान से ही लोगों को समझा देते हैं। हाँ, अब अपने जनता की सेवा करने का अपना कर्तव्य है। अपने गांधीवादी धारा से जुड़ी हुई है अभी वहाँ से, तो यहाँ लोग बाग की डेली 10-50 आदमी आते हैं, किसी जमीन कब्जा कर लिया सब बुला के प्रेम से गावान को समझा देते हैं, तो जमीन छूट जाती है। और यहाँ बने हुआ द्वारा DFO द्वारा कोई नियुक्त किया गया था अपने लिए कि आप चीते जो आ रहे हैं उनकी रखवाली आप करोगे, तो हमने ये संकट भी बोला कि हम जी जान से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम चीतों की पूर्ण रूप से रखवाली करेंगे। मूछों पर ताव, हाथों में बंदूक और सीने पर गोलियों वाला बेल्ट पहने रमेश सिकरवार
घर के आंगन में बैठे थे। आज तक से बात करते हुए रमेश सीकरवार ने कहा कि भले ही जान दे दूंगा लेकिन चीतों को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर यहाँ आ जाते हैं तो इस इलाके का क्या विकास हो सकता है, क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? चीते यहाँ आते हैं और सक्सेजा होती है तो बाहर के पटक लोग आएंगे तो बहुत से गरीबों को धंधा मजदूरी मिलेगी, उनके लिए उनको घुमाने के लिए किसी गाड़ी लग जाएंगे, कोई ड्राइवर हो जाएगा, बहुत से होटल बन जाएंगे तो यहाँ इनकम बढ़ जाएगी, गरीबों को रोजगार मिलेगा, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। तो अपना ये है कि अपना कर्तव्य अपन पूरा करेंगे, चीतों की पूरी मदद करेंगे कि अपनी प्रतिज्ञा है। आपको कितना उत्साह है चीतों को लेकर के? अरे बहुत खुशी है हमको तो उत्साह, चीतों को लेकर उत्साह है। और प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनके दर्शन ही हो जाते हैं तो एकदम भगवान दर्शन मानो तो बड़ी सबसे खुशी की बात है। तैयारी पूरी है, कूडो नेशनल पार्क में चीतों के आने से टूरिज्म भी बढ़ेगा। वैसे सरकार का प्लान है कि अगले 5 वर्षों तक विदेश से चीतों को भारत लाकर बसाने का। कूडो पालपुर सेंचुरी में चीतों का पुनर्स्थापन होना यह पूरे एशिया महाद्वीप के लिए और विशेष रूप से मध्य प्रदेश राजस्थान का जो इलाका लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है। 75 साल से चीता लगभग विलुप्त हो गया था, पूरे एशिया महाद्वीप में कहीं भी चीता नहीं है। कूडो सेंचुरी में चीते का आना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बल प्रदान करेगा, टूरिज्म को भी बढ़ाएगा और रोजगार के अवसर भी खड़े होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने प्रयत्न पूर्वक ये चीता लाने के प्रयास को सफल किया। हमको चीता इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर एक अवसर मिला है और हम लोगों के लिए ये अपने आप में उत्साह और ऊर्जा का भी कार्य करेगा कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है और वो 17 तारीख को यहाँ पर जो चीता इंट्रोड्यूस करने का कार्यक्रम है उसमें आ रहे हैं। अभी शुरू में नामीबिया से चीते हमारे यहाँ पर पहला उनका ग्रुप आएगा और उसके बाद साउथ अफ्रीका से भी हमारा विषय लगभग बातचीत का पूरा हो गया है। ये लगातार 5 वर्षों तक चीता के इंट्रोड्यूस करने का कार्यक्रम चलेगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीवन संरक्षण के जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उन सारे पैरामीटर्स की पूरी परिपालना की जाएगी। चीता विहीन हिंदुस्तान अब नहीं है। वैसे एक वक्त था जब भारत में चीतों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शिकार के शौकीनों ने देश को चीता विहीन बना दिया था।